हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सिंगापुर का रिक्वायरमेंट है, और सिंगापुर के अंदर मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर का रिक्वायरमेंट आया हुआ है मेरे पास। और ये मुस्तफ़ा जो है वो इंडियन बंदा है और उनका वहाँ पे बहुत बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है सिंगापुर के अंदर में, ठीक है। तो जैसा दुबई के अंदर में यूसुफ खान का जो मॉल है लुलु, तो गल्फ़ कंट्री में ये इसका ब्रांच बहुत है, तो वैसा ये मुस्तफ़ा भी है और इनका इनके नाम से बहुत बिजनेस है अपना सिंगापुर में, ठीक है। तो मॉल के अंदर में क्लीनर का काम है, साफ सफाई का काम है, और पैकिंग जॉब भी है इसमें। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दो कैटेगरी है मॉल के अंदर में, ठीक है। एक तो पैकिंग जॉब है, जैसे कि मॉल के अंदर में फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये सारा चीज़ जो है 3 किलो 2 किलो 5 किलो का पैकिंग करने का काम रहेगा, और मॉल के अंदर साफ़ सफाई क्लीनिंग का भी काम रहेगा। तो दोनों ही काम अच्छा है और सैलरी जो है $1650 है पैकिंग जॉब का, और क्लीनर का जो है $1600, ठीक है। तो इसमें कोई भी बंदा चलेगा, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी चलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उधर क्या, पढ़ा लिखा बंदा जाएंगे ना तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। इंग्लिश जिनको थोड़ी बहुत आती है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा है। खैर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों एक्सेप्टेड है, ACR और ACNR दोनों एक्सेप्टेड है पासपोर्ट इसमें। और ये अपना जो वीडियो आप देख रहे हैं सेम इस वीडियो के अंदर में है, और यही मॉल का अंदर आपको काम मिलेगा, ठीक है। पैकिंग का काम और क्लीनिंग का काम जो है इस मॉल के अंदर में आपको मिलेगा, मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर अपना सिंगापुर का जॉब है ये, ठीक है।
तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, आपको फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये सारा चीज़ जो है कंपनी दे रही है, ठीक है। और बहुत अच्छा जॉब है, आप इस जॉब में अगर जाते हैं तो कम से कम सैलरी आपको है 130 प्लस आएगा, 1.5 लाख के करीब आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें OT भी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, और OT करेंगे तो उसका पैसा अलग से मिलेगा, प्लस मॉल के अंदर में टिप बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भाई अगर जाना चाहते हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का काम रहेगा, पहले बोल देना अच्छा है, बाद में आप वीज़ा निकलने के बाद आप बोलोगे कि भाई विजिट वीज़ा में नहीं जाएंगे तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का काम है ये, ठीक है। और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का इसलिए होता है क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, और एम्प्लॉयमेंट में खर्चा भी ज़्यादा बैठ जाता है, और जो है सामने वाले बंदे को भी प्रॉब्लम होती है, कंपनी वाले को भी टैक्स भरना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का ही काम ज़्यादातर करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, पूरे सिस्टम को ही अच्छा रहता है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में, और एम्प्लॉयमेंट में टाइम बहुत जाता है, 6 महीना 7 महीना जाता है। और ये वाला जो काम अपने पास आया है, 30 से 40 दिन के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। सर्विस चार्ज क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। अभी सबसे अच्छा जो है जॉब करने का, विदेश जाने का सबसे अच्छा जो मौका है वो आप, क्योंकि अभी सऊदी का काम बेकार हो गया है, उसमें PCC में 2 महीना टाइमिंग जाएगा, 3 महीना टाइमिंग जाएगा। कुवैत का भी वैसे ही लोचा है, कतर का काम आ नहीं रहा है, और ओमान के अंदर उतनी सैलरी है नहीं, बहरीन के अंदर उतनी सैलरी नहीं है, दुबई का भी बहुत मामला ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो मलेशिया और यूरोप कंट्री में जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसमें जाना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपका मेडिकल है ना तो PCC है, ठीक है। आपके मेडिकल में कुछ इशू भी हो जाती है तो आप ये सब कंट्री आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके बेहतर के लिए सबसे अच्छा जॉब है जो सिंगापुर का है, मलेशिया का है, इसमें आप जाइए, आप पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी गल्फ कंट्री जाना बहुत मुश्किल हो गया है, प्लस यहाँ पे इमिग्रेशन का लोचा बहुत हो रहा है, अभी PCC है, बहुत सारे लोचे हैं। तो सबसे अच्छा है जो है वो मलेशिया है, सिंगापुर है, मालदीप है, मालदीप भी अच्छा है, मालदीप के अंदर भी मेडिकल नहीं है, तो ये सब जॉब है, आप जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय बाय।